पे जो ज्यादा टफ मैचेस हुए नहीं मेरे इतने, जो अच्छा ज्यादा टफ थे वो एक फाइनल अच्छा था और एक क्वार्टर फाइनल था। कमबैक किया, 4-3 किया, एक वो टफ था। उसके बाद फाइनल, क्योंकि ऐसा रमजान सीनियर प्लेयर है उनसे था, तो उनसे खेलते हुए एक वैसे ही थोड़ा प्रेशर था कि पहले डिफेंडिंग चैंपियन भी यही है। इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद हसनैन अख्तर, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी कामयाबी पे। इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ी, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला वहाँ खेलने का। तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ गया और फर्स्ट टाइम ही विन किया, तो अल्लाह का फजल था उसी में। हसनैन, ये आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया इस चैंपियनशिप में और पहली दफा ही जीत गए आप। जी, मैं फर्स्ट टाइम ही गया था और मैं यही सोचते हुए गया कि मैं सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें, लेकिन बस वो अच्छा एक फील था वहाँ खेलने का, मजा भी आया, एनवायरमेंट वगैरह देख कर तो बहुत मजा आया खेलने में, और फर्स्ट टाइम विन कर गया तो ये बस हसनैन, कितने शुक्र मुल्कों के प्लेयर वहां पर मौजूद थे? है। पूरे एशिया के मिला के सारे आए थे वहां। और ये आसान था अजनैन, सफर आसान था? फिर आपको तो डबल मुबारकबाद देते हैं हम कि आपने पहली दफा पार्टिसिपेट किया और पहली दफा ही आप ये चैंपियन बन गए। तो अपने जर्नी के बारे में बताएं कि क्या जेन में चल रहा था, कैसे स्टार्ट किया, किस अप्रोच के साथ गए आप? नहीं, मैं तो यही सोच कर गया था कि वहां जाऊंगा, खेलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो बाकी वहाँ पे जो ज्यादा टफ मैचेस हुए नहीं मेरे इतने, जो अच्छा ज्यादा टफ थे वो एक फाइनल अच्छा था और एक क्वार्टर फाइनल था। क्वार्टर फाइनल में जिसमें मैं 3-1 डाउन था, फिर मैं कमबैक किया, 4-3 किया, एक वो टफ था। उसके बाद फाइनल, क्योंकि ऐसा रमजान सीनियर प्लेयर है उनसे था, तो उनसे खेलते हुए एक वैसे ही थोड़ा प्रेशर था कि पहले डिफेंडिंग चैंपियन भी यही है। तो उसमें भी, लेकिन मैंने ज्यादा प्रेशर लिया नहीं, मैं कहा अपने बेस्ट प्ले करूंगा और मैंने किया और विन किया। जबरदस्त हसनैन, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। पाकिस्तान का सरमाया है, हीरो बने, मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो हमारी सुनो पाकिस्तान की कोशिश होती है कि हमारे जितने भी हीरोज़ हों हम उनको आपके सामने लेके आएं, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं।